नमस्कार दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम चाणक्य, कौटिल्य, आचार्य विष्णुगुप्त और मैकियावेली का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। और मैं यहाँ पे के विड्रॉ करता चलूँ कि चाणक्य जी पर और मैकियावेली पर हम अलग से एक पूरी फीचर बनाएंगे, जिसमें इनको उनका जो पूरा पॉलिटिकल थाट है, जो उसका स्टेट क्राफ्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है, हम एक लिमिटेड दायरे में दोनों की सिमिलैरिटीज़ और थोड़ा सा डिफरेंसेस जो हैं, हम उन पर एक नज़र डालना चाहते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, उसके बाद मेथोडोलॉजी की और किंग और स्टेट क्राफ्ट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आचार्य विष्णुगुप्त जाहिर है तक्षशिला में, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, वहाँ के शिक्षक थे, और उनकी जो जन्मभूमि थी वो मगध थी। उस वक़्त मगध जो था, मगध के ऊपर वो जिस तरह से इंडिया जो था उस वक़्त छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और उनमें आपस में उनके अंदर प्रतिद्वंद्वता रहती थी, शत्रुता रहती थी, और निरंतर संघर्ष चलता रहता था, जिस वजह से सेंट्रलाइज्ड उन्होंने जो पूरी इंडिया को जो यूनाइट करने का जो उन्होंने देखा, उन्होंने एक व्यू देखा, एक विजन दिया, संपूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य में संगठित करने का संकल्प लिया। और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। और इसमें जो बेसिक जो इनमें बात थी वो ये थी कि उन्होंने राज्य शिल्प पर विशेष ध्यान दिया, और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं, राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार। इन दो लक्ष्यों को उन्होंने आगे रख के पूरा स्ट्रीट क्राफ्ट को डिफाइन किया गया है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना आप धर्म का भी सहारा लेने से गुरेज नहीं किया। अतः उन्होंने साधारण जो नैतिकता है उसके नियमों को परे रखकर कूटनीति के उपायों का समर्थन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुटिलता, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रुकडनेस, ही कौतल्य का राजनीति का मूल मंत्र है। कुटिलमति इति कौतल्यः, इसका मतलब हुआ जिसकी बुद्धि कुटिल हो वही कौतल्य है, ऐसा कहा जाता रहा है। लगभग इसी तरह के जो विचार हैं, इसमें जो एक जो राइम करते हैं, जो सिनोमिन करते हैं, उससे हमें यूरोप के प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली के चिंतन में मिलती है। मैकियावेली जाहिर से सब जानते हैं, इसको इटली में इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नगर में हुआ था, और 1469 में और 1527 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो राज्य, जो नेशन स्टेट के सिद्धांत के रूप में इन्होंने उसको फर्स्ट तरीके से पॉलिटिकल साइंस में उसको स्टैब्लिश किया। और इन्होंने उस वक्त, मैं आपको इटली का भी बैकड्रॉप दे दूँ, उस वक्त इटली भी छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, और उसमें जो उसके पड़ोसी थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये हमेशा अपने को इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इटली वॉज अ ईजी टारगेट, इटली बहुत आसान टारगेट था उस वक्त। तो मैकियावेली ने सोचा कि जब तक संपूर्ण इटली को एक सशक्त केंद्रीय राज्य की छत्री छाया में संगठित और एक सूर में नहीं पिरोया जाएगा एक सूत्र में, तो उसको पराधीन खत्म होने का खतरा हमेशा उस पर बना रहेगा। तो इस बैकड्रॉप में दोनों के जो थॉट्स हैं, उनको किस तरीके से राजनीतिक चिंतन में इन्होंने विवेचना किया, उतना ही दिया इतना, लेकिन उन्होंने राज्य धर्म का और जो राज्य शिल्प में, जो स्टेट क्राफ्ट में है, इसमें बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इन्होंने। तो कौतल्या के समान जो मैकियावेली का, जो राज्य को सुदृढ़ बनाने और लक्ष्य की सिद्धि के लिए राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त करने का समर्थन किया इन्होंने। जैसे कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जैसे धर्म जो था उसमें जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, इन्होंने महाभारत से भी इंस्पायर्ड हुई थी, इसमें जैसे कृष्ण जी ने किया है, तो उसी तरीके से जो अगर हम मैकियावेली की बात करें, उन्होंने चर्च को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बल्कि धर्म को अलग कर दिया। चाणक्य इतने हार्च नहीं थे धर्म पर, लेकिन मैकियावेली ने कहा कि नेशन स्टेट अलग है, चर्च अलग है, इनको सेपरेट होना चाहिए पॉलिटिक्स से। इन्होंने प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से सेंट्रल हैं, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात की। और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई थी कि जो इन्होंने अर्थशास्त्र का जो सारा का सारा जो चाणक्य जी ने किया, उसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में वो इतना उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना उसको, लेकिन मैकियावेली की राइटिंग्स में हम ये देखते हैं कि उन्होंने एंशंट रोम्स की, जो काफ़ी एक रोमन सभ्यता रही है, उन चीज़ों से इस पर, और रोमन पे किस तरह से खतरा बना रहा, क्या क्या हुआ है, उन सब में उसका समावेशी एक तरीके का उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूजन किया गया है। और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ये दोनों के समान से इसको समान तरीके से देखा जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखा जाए तो इन्होंने दोनों के अंदर जो एक सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि इन्होंने दंड का भय, जो एक दंड की व्यवस्था होती है, जो डर होता है एक राज्य का, जो इकबाल होता है स्टेट का, उसका भय दिखाने की वकालत की। और इन्होंने, चाणक्य ने ये उसमें ये कहा था कि
जिस तरह से कहते हैं स्थायी शांति कभी नहीं हो सकती। अगर कहीं पर पीस है तो वो टेम्पररी पीस है, क्योंकि अगर एक राजा की पावर होती है, चाहे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे हों, लेकिन फिर दूसरा राजा उसको या तो परेशान करेगा या उसको सुपरसीड करने की कोशिश करेगा या उसको अपने राज्य में मिला लेगा। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो लोहा होता है उसको गर्म किए बिना दूसरे लोहे से नहीं जोड़ा जा सकता। गर्म करने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि वॉर, जो बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड में लिए बिना, मतलब हार्श मापदंड अपनाए बिना आप दूसरे राज्य को अपने में अनेक्स नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें थीं। और वैसे भी युद्ध और आतंक के बिना दूसरे राज्य का आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने धर्म को मान्यता देते हुए भी लेकिन अर्थ को उन्होंने धर्म के ऊपर रख दिया। तो मैकियावेली ने धर्म को बिल्कुल अलग किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और जिस तरीके से मैकियावेली के अनुसार राजनीति के साधनों पर विचार करते हुए यह देखना आवश्यक है कि वे साधन शक्ति के उपार्जन, संरक्षण और विस्तार के लिए कहाँ तक उपयुक्त हैं या कहाँ तक रेलिवेंट हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी नैतिकता या धार्मिक उसमें आपकी रुकावट बने। नेशन, मतलब नेशन जो है वो हर हाल में सुप्रीम हो जाएगा। तो जिस तरीके से इन्होंने इसका जो डिप्लोमेसी के अंदर जो उसमें मीन्स एंड एंड्स हैं, जो किस तरीके से, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो राजा का है, जो रोल है, चाणक्य ने भी कहा है कि वो अपराइट होना चाहिए, मोरलिस्टिक होना चाहिए और किसी किसी सर्कमस्टांसिस में रिलैक्स कर देना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने कहा है कि राजा को एक तरीके का एक आवरण ओढ़ लेना चाहिए कि वो उसके अंदर दया है, धर्म है, सत्य है, मर्यादा का अवतार बनकर रहना चाहिए, ताकि उसके प्रति प्रजा में कोई विद्रोह से प्रेरित ना हो। दूसरे शब्दों में राजा को अपनी शक्ति की रक्षा के लिए भरे बुले सभी तरह के साधनों का सहारा लेना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए, परंतु कुशल प्रचार के बल पर अपनी सच्ची तीव्रता या अपनी जो एक इंटीग्रिटी है उसका ढोंग करना चाहिए। तो कौटिल्य ने कूटनीति में जिन साधनों और विविधियों के लिए साम, दाम, दंड, भेद का समर्थन किया है, वे इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इसमें राज्य शक्ति के संरक्षण के मुख्य लक्ष्य मानते हुए नैतिकता के स्थानों को थोड़ा गौण कर दिया गया है या छोटा या कम कर दिया गया है। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी बात आती है वो आती है एस्पोनेज की, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था कैसी हो। तो चाणक्य ने इस पर काफ़ी काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो सफल गुप्तचर होते हैं उन्हें दूसरे राजा की हत्या तक कर देनी चाहिए, और जो गुप्तचर होते हैं उसे अपने राजा की प्रचार प्रसार के अंदर अग्रणीय भूमिका भी निभानी चाहिए, और जो उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं और जो राजदूत होते हैं उन्हें भी दूसरे राज्यों के अंदर, अपने राजा के अंदर, ताकि अपने राजा की बड़ाई करना और दूसरे राजा के बारे में एक तरह का संशय उत्पन्न करना, ताकि जिस तरह के राजद्रोह को प्रोत्साहन दें। तो इन सारी चीज़ों को चाणक्य ने काफ़ी यूज़ किया था, क्योंकि उनका जो विजन था वो इंडिया को यूनाइट करने का था उस वक्त। तो उनका जो विजन, अब ये इस पर नैतिकता के आधार पर दोनों के लिए अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी जो परिस्थितियाँ थीं और जिस तरीके से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके हिसाब से, इसीलिए इनको स्टेट क्राफ्ट में इतना अग्रणीय माना जाता है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन से, और इसमें एक बात मैं और करता चलूँ, जो इसमें वेल्थ है, वेल्थ को लेके चाणक्य जी ने धर्म को पीछे कर दिया, लेकिन उन्होंने वेल्थ को सुप्रीम ही माना है। और टैक्सेस में चाणक्य जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ये कहा था कि टैक्स राजा को उस तरह से लगाना चाहिए जैसे कि सूर्य जो है वो जल से लेता है और जो मधुमक्खी है, जो हनी भी है, वो फूलों से लेती, बल्कि अंदर ना किया जाए। तो इस तुलनात्मक अध्ययन के अंदर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि राजा की सुरक्षा के विकल्प में कौटिल्य और मैकियावेली के दृष्टिकोण अत्यधिक समानता है, और जहाँ जहाँ राजनीतिक में छल कपट मिथ्याचरण को मान्यता देने की बात आती है, कौटिल्य या मैकियावेली का नाम अनायास ही जीवा पर आ जाता है। तो इनका जो थॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु धर्म के प्रति कौटिल्य की, जैसे मैंने कहा, प्रतिक्रिया इतनी तीव्र नहीं थी जितनी मैकियावेली की थी। तो कौटिल्य ने जिस तरीके से स्टेट क्राफ्ट को आगे बढ़ाया उनका काफ़ी सम्मान है, और जिस तरह से मैकियावेली ने इटली के लिए उस वक़्त किया, उन्होंने जो राजनीतिक चिंतन उन्होंने दिया उसको पढ़ना, समझना, और यूपीएससी और सिविल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स में नई नई चीज़ें हो रही हैं, चेंज हो रहा है, उसमें एक नेशन स्टेट को लेकर एक अलग से डिबेट हो गई है। तो ये संभावना है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि उस तरीके का रेलिवेंस आप कंपेरेटिव करें ना करें, कहाँ से इंस्पायर हों, किस तरीके से आप नेशन स्टेट को देखेंगे, उसमें जो इनका चिंतन है उसकी क्या भूमिका है, नहीं है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उनका समर्थन भी हो सकता है। तो किस तरीके से, जैसे आजकल एक कल्ट चला है, पर्सनैलिटी कल्ट हो गया है लीडर्स का, पुतिन का, शी जिनपिंग का, ट्रंप का, तो नेशन उस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो किस तरीके से अपने नेशन की प्रायोरिटीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए, वो सबका अध्ययन के लिए
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम नमस्कार, थैंक यू सो मच, और हम नए लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार दोस्तों।